हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आरटी लेक्चर्स के यूट्यूब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, हमने पिछले दो वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट किए थे रेडियोलॉजिकल फिजिक्स की, लेक्चर फर्स्ट एंड लेक्चर सेकंड को, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं डार्क रूम प्रोसीजर के लेक्चर फर्स्ट को। तो इसके बाद में डार्क रूम के जो फिजिक्स डार्क रूम प्रोसीजर है उसके वीडियो लेक्चर्स भी कंटिन्यू रेगुलर रहेंगे। तो इस प्रकार से दोनों ही, जैसे रेडियोलॉजिकल फिजिक्स एंड डार्क रूम प्रोसीजर है, उनके जो वीडियो लेक्चर्स है पैरेलली चलेंगे यहाँ पर। तो डार्क रूम प्रोसीजर के आज हम लेक्चर फर्स्ट की बात करेंगे, जिसके अंदर हम टॉपिक कवर करने वाले हैं रेडियोग्राफिक कैसेट। रेडियोग्राफिक कैसेट क्या होती है और रेडियोग्राफिक कैसेट्स की फंक्शंस यानी कि इसके कार्य क्या होते हैं, किस लिए हम इसका यूज करते हैं, और इसके कंस्ट्रक्शन यानी कि इसकी बनावट कैसी है, और इसके कौन कौन से अदर इसके साइजेज में हैं, कितने कितने साइज के अंदर ये अवेलेबल होती है, और साथ ही हम इसके अंदर जानेंगे इसके करैक्टरिस्टिक आइडियल करैक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, यानी कि जो इनके आदर्श गुण होते हैं उनके बारे में, कि आदर्श कैसेट कैसी होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को विदाउट टाइम वेस्ट के। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि रेडियोग्राफिक कैसेट क्या होती है, व्हाट इज रेडियोग्राफिक कैसेट। देखिए, एक रेडियोग्राफिक कैसेट एक लाइट प्रूफ रिजिड होल्डर होता है, ठीक है, एक लाइट प्रूफ रिजिड होल्डर होता है जिसके अंदर आपको दो तो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स मिलेंगी और उसके अंदर एक होती है फिल्म, ठीक है, यानी कि ये एक प्रकार का लाइट प्रूफ रिजिड होल्डर होता है जो दो स्क्रीन्स को रखता है और मध्य में एक फिल्म को रखता है, और इसी को हम कहते हैं, दूसरा नाम से जानते हैं इसको, फिल्म होल्डर के नाम से, ठीक है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड फिल्म होल्डर, यह है फिल्म होल्डर के नाम से भी जाना जाता है। इट इज हिंज्ड बाय लैचेज ऑन वन साइड, एक साइड यह लैचेज के द्वारा हिंज होता है एंड कैन बी ओपन्ड फ्रॉम अदर साइड, और दूसरी साइड से इसको हम ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आपने ब्रीफकेस या सूटकेस देखा होगा तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे जैसी जो इसकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है सेम टू सेम ऐसे ही इसके अंदर होती है। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज द बैक सरफेस ऑफ दिस कैसेट एंड दिस इज द इनर सरफेस ऑफ फ्रंट साइड एंड इट्स बैक साइड, ठीक है, इसके जो आगे वाली जो फ्रंट वाली जो साइड है वो इसकी फ्रंट सरफेस कहलाएगी, और इसके अंदर जो दो सरफेस हैं, फ्रंट सरफेस एंड बैक सरफेस, ठीक है, तो ये वाली होगी बैक सरफेस, और इसके जस्ट पीछे पीछे की इस आगे की तरफ जो फ्रंट सरफेस होगी वो इसकी फ्रंट सरफेस कहलाएगी या फिर इसकी फ्रंट साइड कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर इसके फंक्शंस के, कि एक रेडियोग्राफिक कैसेट्स के क्या क्या यूज हो सकते हैं, क्या क्या इसके फंक्शंस हो सकते हैं, इसका कार्य क्या होते हैं। तो इसका कार्य होता है, एक तो जो लाइट एक्सपोजर है उससे अपनी फिल्म को बचा के रखना, यानी कि टू प्रोटेक्ट फिल्म फ्रॉम लाइट एक्सपोजर, लाइट एक्सपोजर से फिल्म को बचाना, ठीक है, प्रोटेक्ट फिल्म फ्रॉम बेंडिंग एंड स्क्रैचिंग ड्यूरिंग यूज, यानी कि जब हम इसको यूज कर रहे हैं तो उस दौरान फिल्म को ये बेंडिंग और स्क्रैचेस से ये बचाती है, प्रोटेक्ट मतलब बचाती है। कंटेन्स इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स, यह है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स रखती है एंड कीप्स फिल्म इन क्लोज कॉन्टैक्ट टू द स्क्रीन ड्यूरिंग एक्सपोजर, ये कहना चाह रहा है इसके अंदर कि एक्सपोजर के दौरान जब हम पेशेंट को एक्सपोज कर रहे हैं उसके नीचे कैसेट लगी हुई है तो उस दौरान ये जो रेडियोग्राफिक कैसेट होती है वो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स और जो फिल्म होते हैं उनको एक प्रॉपर कॉन्टैक्ट में रखती हैं, क्लोज कॉन्टैक्ट में रखती हैं, ताकि इसके अंदर किसी प्रकार का मूविंग आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस ना हो, जिससे इमेज की जो क्वालिटी है वो यहाँ पर डिग्रेड ना हो, इमेज की क्वालिटी खराब ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स यहाँ पर बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन की, यानी कि इसकी बनावट क्या है, एक रेडियोग्राफिक कैसेट की स्ट्रक्चर क्या है, इसकी संरचना क्या है। तो देखिए, यहाँ पर जो एक रेडियोग्राफिक कैसेट है बेसिकली चार पार्ट से ये फॉर्म होती है, ठीक है, ये कितने पार्ट से बनी होती है, बेसिकली चार पार्ट से। तो इसका एक जो पार्ट होता है वो होता है फ्रंट पार्ट, जिसको हम अपन फ्रंट साइड कहते हैं, और एक पार्ट होता है इसका बैक पार्ट, या फिर इसको कहते हैं अपन बैक साइड। देखिए, जो बेसिकली हम इसको आधारभूत तरीके से देखें तो इसके दो पार्ट हो गए, और दो पार्ट्स के अंदर एक एक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगी होती है, फ्रंट एंड बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, और साथ ही साथ जो बैक पार्ट होता है उसके अंदर एक कंप्रेसिव मटेरियल का पैड बना होता है, वो पैड जो कंप्रेसिव पैड होता है वो
इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और फिल्म, इनके बीच में क्लोज कॉन्टैक्ट बनाए रखने के लिए इसका हम यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं हम एक एक को वन बाय वन करके। इस फिल्म के अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले इसके डायग्राम को देखिए। ये तो जो कैसेट का फ्रंट पार्ट है, एज यू कैन सी दिस इज फ्रंट पार्ट ऑफ दिस कैसेट, एंड ये इसका इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, फ्रंट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, ठीक है, जो कि बेसिकली फोस्फोर से बनाया जाता है, ठीक है। इसके बीच के अंदर हम रेडियोग्राफिक फिल्म को रखते हैं जो कि डबल कोटेड होती है, और इसके बाद में जस्ट इसके बैक वाली सरफेस, बैक वाली साइड है, उसके अंदर जो बैक वाली इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वो होती है, और उसके जस्ट नीचे होता है कंप्रेसिव मटीरियल, कंप्रेसिव मटीरियल या कह सकते हैं या फिर कंप्रेसिव पैड, ठीक है। उसके जस्ट नीचे होता है कैसेट का बैक साइड, ठीक है, बैक साइड के ऊपर हम लगाते हैं कंप्रेसिव मटेरियल के ऊपर लगाते हैं इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, ठीक है, बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। फिर इसके बाद में हम उसके ऊपर रखते हैं फिल्म, फिल्म के ऊपर जो आगे वाला पार्ट होता है कैसेट का उसके अंदर आता है फ्रंट पार्ट में होता है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एंड इसका कैसेट का फ्रंट, ठीक है। तो वन बाय वन करके एक एक को देखते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करें फ्रंट पार्ट की या फ्रंट साइड की, तो ये जो फ्रंट पार्ट होता है जब भी हम एक्सरे करते हैं, एक्सपोज करते हैं पेशेंट को, तो दिस पार्ट इज फेसिंग टू द पेशेंट और एक्सरे बीम। ये पार्ट या तो पेशेंट को फेस कर सकता है या फिर वो एक्सरे बीम को फेस करता है ड्यूरिंग एक्सपोजर, यानी कि एक्सपोजर के दौरान। दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ लो एटोमिक नंबर मटेरियल, रेडियोलूसेंट मटेरियल लाइक प्लास्टिक और कार्बन फाइबर टू केयर ऑफ एक्सरे पेनेट्रेशन। अब यहाँ पर इस बात को समझना आपकी, ये जो फ्रंट पार्ट होता है इसको ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, लो होता है, जिसका एटॉमिक नंबर लो होता है, ऐसे मटेरियल से इसको बनाया जाता है, जिसको अपन ऐसे वे मटेरियल्स जिनका एटॉमिक नंबर लो होता है उन्हें अपन कहते हैं यहाँ पर रेडियो लूसेंट, यानी कि रेडियो पारदर्शी, जिनमें से रेडिएशन पास आउट कर जाए, तो ऐसे मटेरियल्स को हम रेडियो लूसेंट मटेरियल कहते हैं, जिसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं जैसे कि प्लास्टिक या कार्बन फाइबर, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, लो एटॉमिक नंबर मटेरियल से बने होते हैं, और ये किसको देखते हुए बनाए जाते हैं, एक्सरे की पेनेट्रेशन को देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए कि इनसे इजीली एक्सरे पेनेट्रेट कर जाए और वो एक्सरे फिल्म तक पहुंचे, ताकि जो यूजफुल जो एक्सरेज है उनसे हम इमेज का फॉर्मेशन कर सकें, उनसे हम इमेज बना सकें, ठीक है। तो हम कोई भी जब भी हमें बात आती है फ्रंट पार्ट की, तो फ्रंट पार्ट हमेशा लो एटॉमिक नंबर मटेरियल से बनाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि रेडियोलूसेंट मटेरियल से बनाया जाता है, और फ्रंट पार्ट फेस करता है एक्सरे बीम को या फिर पेशेंट को फेस करता है एक्सपोजर के दौरान। फ्रंट पार्ट की इनसाइड सरफेस यानी अंदर की तरफ एक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन माउंटेड यानी कि लगी हुई होती है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि ये इसका फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड के अंदर की तरफ जो अंदर की तरफ वाला पोर्शन है यहाँ पर क्या है, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स लगी हैं। उसके बाद ये आप देख पा रही हैं बैक साइड है, ठीक है, तो बैक साइड की जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स है दोनों, देखो ये भी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है और ये इधर भी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है, ठीक है। तो दोनों इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स के बीच में मध्य में आप देख पा रही हैं ब्लैक कलर का जो शेडो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये यहाँ पर फिल्म है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पर बैक साइड की या बैक पार्ट की या बैक सरफेस की, तो जो बैक साइड होती है वो सामान्यतः हम यहाँ पर हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल से बनाते हैं, जैसे कि लेड है, लेड जिसका एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है Z=82, यानी कि 82 इसका परमाणु क्रमांक होता है। अब इसको क्यों बनाते हैं हाई एटोमिक नंबर मटेरियल से, टू मिनिमाइज बैक स्कैटरिंग, बिकॉज एक्सरे पासिंग द बैक स्क्रीन गेट बैक स्कैटर्ड एंड रीचेज ऑन द फिल्म विच रिजल्ट इन इमेज फो, ठीक है। यानी कि इसका जो बैक साइड होती है उसको हम हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल से बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, उसका कारण ये होता है कि ये जो एक्सरेज जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पास आउट होते हैं इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से, बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से, तो वो जैसे ही इसके ऊपर गिरते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, जो बैक ये फोटॉन्स आते हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, वापस से इनकी बैक स्कैटरिंग को नहीं होने देता है। जैसे कि ये फिल्म है, ठीक है, फिल्म के जस्ट नीचे ये क्या है अपना इंटेंसिफाइंग स्क्रीन बैक वाला, ठीक है, इसके जस्ट नीचे ये अपना क्या है इसकी बैक साइड या बैक सरफेस, ठीक है। तो जैसे एक्सरेज आती हैं इधर ये
अपना क्या है यहाँ पे फ्रंट एंट्रेंस बैंक स्क्रीन, और ये क्या है इसका फ्रंट पार्ट। ठीक है, अब ये तो जैसे एक्सरेज आई यहाँ से फ्रंट पार्ट, फिर एंट्रेंस बैंक स्क्रीन फ्रंट वाले, फिर उसके बाद में फिल्म तक पहुँचती है। ठीक है, तो फिल्म तक पहुँचती है तो यहाँ पे क्या होते हैं एंट्रेंस बैंक स्क्रीन, इनकी जो फोटोन्स की संख्या होती है इनको इंक्रीज कर देती है। ठीक है, अब ये जैसे ही फिल्म के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर इमेज का निर्माण होगा, और कुछ फोटोन्स क्या होते हैं इससे फिल्म से भी पास आउट होकर एंट्रेंस बैंक स्क्रीन तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, और ये एंट्रेंस बैंक स्क्रीन्स क्या करती है, जो फोटोन्स आते हैं उनको वापस भेज देती है एज इट इज सेम डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, ना कि इनको स्कैटर करवाती है, बल्कि जैसे अगर यदि ये फोटोन्स स्कैटरिंग इस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से भी पास आउट होती हैं और यहाँ से इनकी बैक स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग का मतलब होता है अपने पाथ से विचलित होना किसी रेडिएशन का। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी बैक स्कैटरिंग होती है तो ये फिल्म को क्या कर सकती हैं, फोक कर सकती हैं, फिल्म के अंदर फिल्म की जो क्वालिटी है उसको धुंधला कर सकती हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनका यूज क्या करते हैं हम यहाँ पर लो एटॉमिक नंबर मटेरियल का यूज करते हैं एक एक्सरे कैसेट के बैक सरफेस को बनाने के लिए। ठीक है, देर इज स्मॉल विंडो एट द बैक साइड टू प्रोवाइड पेशेंट आईडी, एक पेशेंट की आईडी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यहाँ पर ये तो पता होना चाहिए कि किस पेशेंट का ये एक्सरे किए हैं हम। जैसे बहुत सारे एक्सरे जा रही हैं तो अलग अलग केसेट्स हैं, तो उनके अंदर हर जो प्रत्येक पेशेंट है तो उनका सबका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो एक स्लिप या फिर फ्लैश कार्ड के रूप में यहाँ लगा होता है। ठीक है ना, अब देखिए कि जो स्मॉल विंडो होती है यहाँ पे, ये स्मॉल विंडो है यहाँ पे इसके अंदर लगा होता है बैक साइड के अंदर। कैसेट लॉकिंग सिस्टम आल्सो प्रेजेंट ऑन द बैक साइड, कैसेट का जो लॉकिंग सिस्टम, सॉरी लॉकिंग सिस्टम होता है वो भी बैक साइड के ऊपर ही प्रेजेंट होता है। एज यू कैन सी इन दिस द डायग्राम, दिस इज द बैक लॉकिंग सिस्टम। ठीक है, तो इनसे क्या होती है कैसेट लॉक हो जाती है आफ्टर फिल्म प्लेसमेंट या आफ्टर फिल्म रिमूवल। ठीक है, रिमूव फिल्म हटाने के बाद में और इसके अंदर फिल्म डालने के बाद में इसको लॉक करना होता है। ठीक है, लैचेज आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड फॉर हिंज, यानी कि जैसे सूटकेस को हम खोलते हैं, जैसे अपना एक गेट होता है तो गेट किस प्रकार से एक टॉर्क लेता है, उसी प्रकार से इसके अंदर भी जो टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए इसको खोलने के लिए यहाँ पर लैचेज होते हैं, यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं इसके अंदर यहाँ पे होते हैं इसके अंदर ये लैचेज है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसको बाइंड करके रखते हैं, इसको घुमाने का काम करती हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसके फ्रंट एंड बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स की, तो जो फ्रंट एंड जो बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स होती हैं ये परमानेंटली माउंटेड होती है बैक एंड जो फ्रंट सरफेस होते हैं उसके इनसाइड सरफेस के ऊपर। इनसाइड द केसेट टू परमानेंटली माउंटेड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, एक्सरे फिल्म इज लोडेड बिटवीन दीज इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स, एक्सरे फिल्म को इन दोनों इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स के मध्य के अंदर इसको एक्सरे फिल्म को लगाया जाता है। ठीक है, ताकि इनके बीच में प्रॉपर कॉन्टैक्ट बना रहे, तो इनसे जो फोटोन्स का लॉस है वो मिनिमम हो सके यहाँ पे। ठीक है, इसलिए इसके अंदर प्रॉपर कॉन्टैक्ट बनाए रखना होता है। नेक्स्ट बात करें हम कंप्रेसिव मटेरियल की, तो यहाँ पर जो कंप्रेसिव मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो भी रेडियोल्यूसेंट नेचर का होता है, यानी कि रेडिएशन के प्रति पारदर्शी होता है, जैसे कि प्लास्टिक फोम। ठीक है, तो ये क्या होता है कि प्लास्टिक फोम इनको कंप्रेस करके रखता है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स को और फिल्म को, ताकि ये आपस में क्लोज कॉन्टैक्ट में रहें। पोजीशन की बात करें कंप्रेसिव मटेरियल की, तो इसको हम फ्रंट जो बैक साइड है उसकी बैक साइड और जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है बैक साइड वाली, उन दोनों के बीच में बैक सरफेस और जो बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स है उन दोनों के मध्य में, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम दिस इज। ठीक है, दिस इज इंटेंसिफाइंग स्क्रीन ऑफ बैक साइड एंड दिस इज कंप्रेसिव मटेरियल इन डार्क कलर एंड दिस इज बैक साइड ऑफ दिस कैसेट। ठीक है, फंक्शंस की हम यहाँ पे बात करें तो ये फंक्शन क्या करता है, कंप्रेसिव मटेरियल मेंटेन गुड स्क्रीन फिल्म कॉन्टैक्ट, स्क्रीन और फिल्म के मध्य में एक अच्छा कॉन्टैक्ट बनाए रखता है ये। इट इज़ नेसेसरी टू अवॉइड मूविंग आर्टिफैक्ट एंड गुड इमेज क्वालिटी, ये किस लिए आवश्यक होता है हमें,
इसका जो मुख्य काम होता है मूविंग आर्टिफैक्ट और जो इमेज की क्वालिटी है उसको मेंटेन करता है गुड स्क्रीन फिल्म कॉन्टैक्ट। ठीक है, यानी कि अच्छा स्क्रीन फिल्म, स्क्रीन और फिल्म के बीच में अच्छा कॉन्टैक्ट होगा, अच्छे से आपस के अंदर ये क्लोज कॉन्टैक्ट में होंगे, तो उस कंडीशन के अंदर इनके इनके अंदर किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होगा और उससे इसके अंदर मूविंग आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस नहीं होंगे और उससे इमेज की क्वालिटी भी यहाँ पर बेटर होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात करते हैं इसके करेक्ट जो आइडियल फीचर्स है कैसेट के उनके बारे में। तो आइडियल फीचर्स एक कैसेट कैसी होनी चाहिए, मतलब एक रेडियोग्राफिक डिपार्टमेंट के अंदर किस प्रकार की कैसेट होनी चाहिए, एक कैसेट के आदर्श गुण क्या होने चाहिए। तो यहाँ पर जो एक कैसेट है इट शुड बी लाइट वेट, यानी कि इसे होना ही चाहिए लाइट वेट के अंदर, यानी कि कम जिसका भार हो इसका भार कम होना चाहिए। इट शुड नॉट हैव शार्प एजेज और कॉर्नर, देखिए एजेज और कॉर्नर जिसका मतलब सेम है किनारा, इसके किनारे है वो शार्प यानी कि नुकीले नहीं होने चाहिए और इजी टू ओपन एंड क्लोज, इसको आसानी से क्लोज या ओपन किया जा सके, ऐसी कैसेट होनी चाहिए। और मेंटेन यूनिफॉर्म एंड क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन इंटेंसिफाइंग स्क्रीन एंड फिल्म, कैसेट को ऐसा होना चाहिए कि वो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स और जो फिल्म है उनके मध्य में क्लोज कॉन्टैक्ट बनाए रखे। ठीक है, फ्रंट पार्ट शुड अलाउ लो बीम एटेन्यूएशन, बी ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस विथ नो इरेगुलरिटीज, इसका मतलब ये है कि फ्रंट पार्ट है वो लो एटोम, उस फ्रंट पार्ट के द्वारा जो एटेन्यूएशन जो एक्सरे बीम है उसका एटेन्यूएशन लो होना चाहिए, यानी कि ये ऐसा होना चाहिए कि इसका इसके द्वारा बीम का एटेन्यूएशन कम हो सके, बीम इससे कम अब्जॉर्बर कम अब्जॉर्ब हो सके, इससे बीम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमिट हो सके, और ये एक यूनिफॉर्म थिकनेस का होना चाहिए, इसके अंदर किसी प्रकार की असामान्यता या इरेगुलरिटीज नहीं होनी चाहिए फ्रंट पार्ट के अंदर। ठीक है, इट शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड टू विदस्टैंड फिजिकल डैमेज, एक कैसेट को स्ट्रॉन्ग और रिजिड होना चाहिए, यानी मजबूत और दृढ़ होना चाहिए फिजिकल डैमेज से सामना करने के लिए। ठीक है, यदि कैसेट स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड होगी तो वो किसी भी प्रकार के फिजिकल डैमेज को आसानी से सह सकती है। बैक शुड, जो बैक साइड होती है शुड बी मेड अप ऑफ विथ हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल टू मिनिमाइज बैक स्कैटर, रेडिएशन के बैक स्कैटरिंग को रोकने के लिए यहाँ पर जो बैक साइड है वो यहाँ पर हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल से बनी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स कभी कभार क्या होता है कि कुछ कैसेट्स के अंदर बैक साइड को हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल से ना बना के एक हाई एटॉमिक नंबर मटेरियल जैसे कि लेड की सीट बैक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स के जस्ट नीचे कंप्रेसिव पैड होता है जस्ट उसके नीचे लगा देते हैं उसको। ठीक है ना, तो कुछ कैसेट्स के अंदर ऐसा भी सिस्टम होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करें कैसेट के साइजेस की, तो यहाँ पर जो कैसेट की साइज है 8x10, 10x12, 12x15, 14x14 एंड 14x17, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के साइज के अंदर कैसेट्स अवेलेबल होती है। जो फिल्म की जो लोडिंग और जो अनलोडिंग होती है यहाँ पर डार्क रूम के अंदर होती है, यानी कि एक अंधेरे कमरे के अंदर यहाँ पर फिल्म की लोडिंग एंड अनलोडिंग की जाती है कैसेट के अंदर। स्टूडेंट्स आज की स्टूडियो लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं, मुलाकात होगी आपसे न्यू वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।